समय हो गया है राजघराने की छोटी बहू की शैतानी कुंडली बनाने के लिए। इससे ज्यादा अशुभ मुहूर्त फिर नहीं मिलेगा। क्या हुआ कालमुखी? सब पी जा। क्या? फिर से चेक करो। मेरी गणना कभी गलत नहीं होती कपालिका। ये शैतानी कुंडली साफ बता रही है कि ये सब बीजा नक्षत्र में जन्मे इंसान की ही कुंडली है और उसके सारे ग्रह उच्च के हैं। बहुत पवित्र और सच्चे दिल वाला होता है ऐसा इंसान और ऐसा होना ही इसे ताकतवर बनाता है। मतलब निकी सच में शतबीजा है? भेज दो मुझे निकी के बचपन में। अच्छाई की उस ताकत का नाम है निकी और जल्द ही तुम सब कांत कर देगी। उसे चाई ने छोड़ा है वहां पे। हमारी दुश्मन फल देवी ने छोड़ा है वहां पे। आप समझी निकी को उसकी पावर्स बाल देवी से मिलती है। ओ शैतानी दुनिया की काली आत्माओं, मैं शैतान की पुजारन मालिक की गुलाब कपालों की रानी कपालिका तुम सबको बुला रही हूं। नींद से जागो काली आत्माओं, इस दुनिया के बंधन तोड़ के आओ और अच्छाई की दिव्य शक्तियों के खिलाफ
बुराई की इस जंग में मेरा साथ दो। जंग में जीतने के लिए अपने दुश्मनों की ताकत को जानना बहुत जरूरी होता है, और अब मैं पहचान गई कि मेरा असली दुश्मन कौन है। इसीलिए पहले निक्की मरेगी और फिर वो पाल देवी। हाँ, निक्की की मौत से मालिक गुस्सा जरूर होंगे, पर उनको तो मैं संभाल लूंगी। रस्मों के लिए बहुओं की फौज तैयार कर लूंगी मैं, लेकिन अच्छाई की सिपाही निकी और उसकी ताकत पाल देवी को आज खत्म करके ही रहूंगी।